नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंटर स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पर, और मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आज के ज़बरदस्त वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे जीके और सीए यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और देखेंगे उनके सही जवाब और करेंगे अपने प्रैक्टिस को इंश्योर कि सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। पहला प्रश्न आपके सामने है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि जो खुले बाजार की प्रक्रिया होती हैं वो किसका हिस्सा है? क्रेडिट पॉलिसी, डेबिट पॉलिसी, डिपॉजिट पॉलिसी या नन ऑफ दीज। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसके अंदर डिस इन्वेस्ट और जहां पर चीज़ों को बेचा जाता है, इकोनॉमिक्स की टर्म है, बताइए किसकी किसका हिस्सा है, क्रेडिट का, डेबिट का, डिपॉजिट का या फिर इनमें से कोई नहीं। यस, इसका सही जवाब है क्रेडिट पॉलिसी। इसके अंदर जो ऋण नीति होती है उसके अंदर उसके अंतर्गत खुले बाजार की प्रक्रिया किया जाता है। द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च ऑन, जो मिड डे मील स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 2000, 1992, 1995 या 2001, बताइए। यस, इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम्स जो है वो लागू की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाई ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, यानी कि कागज को सोककर स्याही का अवशोषण शामिल है किस चीज़ में? विस्कोसिटी ऑफ इंक यानी कि स्याही की शायनता, कैपिलरली एक्शन फिनोमिना कोशिका कार्यवाही की घटना, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग धब्बे के माध्यम से स्याही का विचलन या फिर सिफॉन एक्शन सोखने की कार्यवाही, बताइए इन चारों में से ये क्या है? यस, इसका सही जवाब है कैपिलरी एक्शन फिनोमेना यानी कि कोशिका कार्यवाही की घटना, जो बी ऑप्शन है ये इसका एकदम सही ऑप्शन होगा कि कैपिलरी एक्शन फिनोमेना जो है कोशिका कार्यवाही की घटना, इसकी वजह से जो इंक का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन एटमोसफेयर इज ए रिजल्ट ऑफ, जो कि रेडियो कार्बन्स होते हैं जो कि किसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं? पहला, कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव के कारण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर सूर्य से पैरा बैगनी प्रकाश की कार्यवाही यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, सौर विकिरणों की क्रिया विशेष रूप से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर ब्रह्मांडीय किरणें यानी कि एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन पर्टिकुलरली कॉस्मिक रेज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फिर लाइटनिंग डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में बिजली का निर्वहन इस वजह से होता है। देखिए, रेडियो कार्बन होने का सबसे पहला कारण यही है कि कोलाइजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में मौजूद जो तेज न्यूट्रॉन्स और नाइट्रोजन के बीच में टकराव के कारण रेडियो कार्बन जो है उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इन विच डिकेड, किस दशक में डिड द फर्स्ट ट्रांसलैंटिक रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑकर, यानी कि किस दशक में पहला ट्रांसटॉनिक रेडियो प्रसारण हुआ था? आपके ऑप्शन है 1850, 1860, 70 और या 1900 में, बताइए दशक की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑन दिसंबर 12, 1901, अ रेडियो ट्रांसमिशन रिसीव्ड बाय द गुलिमलो मार्कोनी रिजल्टेड इन द फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रांसलेटिंग वायरलेस सिग्नल मोर्स कोड फ्रॉम ओल्डू कॉर्नवॉल टू सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड, यानी कि वायरलेस सिग्नल को, यानी जो मार्कोनी थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, उन्होंने 1901 यानी कि जो 1900 के दशक में सारी चीज़ें हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? ये बताया गया ऑलरेडी कई बार डिस्कशंस के अंदर, 4, 8, 16, 32, तो इसका सही जवाब है 8। 8 बिट मेक्स 1 बाइट। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन किसने बनाया है? आपके ऑप्शन है बीरो ब्रदर्स, वाटरमैन ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स। बॉल पॉइंट पेन बनाने का जो श्रेय है वो द हंगेरियन ब्रदर्स जो थे, लेजलो एंड जॉर्ज बीरो, इन्होंने बनाया था। तो हंगरी के यानी कि जो, तो यहाँ पे बीरो ब्रदर्स जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। द चेयरमैनशिप प्रेजिडेंसी ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है परिषद के सदस्यों के बीच घूमती है, मतलब जो आपस में कितने देर में वो रोटेट होते रहती है, हर 6 महीने में, 3 महीने में, हर साल या हर महीने? देखिए, तो इसका सही जवाब है हर महीने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है मासिक आधार पर उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर सभी सदस्यों के बीच वर्णाक्रम घूमती
रहती है, जैसे ए बी सी डी के आधार पर घूमते रहती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एग्जॉन वॉल्डेज, इसका क्या कारण है बताइए। आपके ऑप्शन है ऑयल टैंकर विच सैंक इन 1989 अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अलास्का एंड मरीन लाइफ सीरियसली अफेक्टेड, यानी कि तेल टैंकर जो कि अलास्का के तट पर 1989 में डूब गया और समुद्री जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, अ प्लेन विच क्रैशेस एंड कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मानव जीवन की मृत्यु का कारण बना, या फिर अ शिप विच रेक्ड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, एक जहाज जो कि भारत के तट पर बर्बाद हो गया इसकी वजह से ये हुआ, या इन सब में से कोई भी कारण नहीं था बताइए। यस, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस इट स्पिल्ड 10.8 मिलियन ऑफ US गैलून 260000 BBL और 37,000 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि वो पूरा का पूरा फैल गया था। इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन कॉज एनवायरमेंट डिजास्टर, और यहाँ पर ये जो तेल फैल गया था इसी वजह से यहाँ पर ये जो घटना है या हो गई थी, तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यस, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 10वां, इंफ्रारेड एंड विजिबल सैटेलाइट इमेजेस माइट प्रोवाइड, यानी कि जो इंफ्रारेड हैं और जो विजिबल सैटेलाइट्स हैं वो कैसी इमेज प्रोवाइड कर सकती हैं, अवरक्त या दृश्यमान जो उपग्रह है किस तरह के चित्र प्रदान कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए अवे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वेट एंड ड्राई क्लाउड्स, जो गीले और सूखे बादल हैं उनके बीच में अंतर बता सकती हैं। अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लाउड्स सुटेबल फॉर द क्लाउड सीडिंग, अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाउड्स थिकनेस एंड एल्टीट्यूड, अ वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन न्यू एंड ओल्ड क्लाउड्स, इसके बीच में ये अंतर बताने में हमारी मदद कर सकती है। तो उसका सही जवाब है जो इंफ्रारेड उपग्रह तकनीक पृथ्वी और वायुमंडल से अंतरिक्ष से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण के तापमान को महसूस करके काम करती है। मूल रूप से सभी वस्तुओं पानी भूमि और बादल सहित अवरक्त प्रकाश को विकिरण कहते हैं, हालांकि इस तरह के प्रकाश को देखने के लिए हमारी आंखें ट्यून नहीं है इसलिए हम इसे नोटिस नहीं कर पाते। मौसम उपग्रह के अवरक्त प्रकाश को न केवल महसूस कर सकते हैं बल्कि वे अवरक्त उत्सर्जन के तापमान को समझ भी सकते हैं। तो इस हिसाब से जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा, अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाउड थिकनेस एंड अल्टीट्यूड। तो ये थे आज के 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि जनरल अवेयरनेस और हल्के फुल्के करंट अफेयर्स को भी सामने जोड़ रहे हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और बाकी ऐसे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।